किसान आगे बढ़ रहे हैं ऐसा आप बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आपका ये मिलिट्री रोक रही है, अर्धसैनिक फोर्स रोक रही है, और किसान पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको और भी चीजें दिखा दूंगा जो आज हमने नोट की है, जो आपके समक्ष रखनी थी। एक तो ये है, मैं उसको बाद में थोड़ा दूंगा। एक तो टीयर गैस होती, ज्यादा आप टीयर गैस की बोल रहे हैं, इसके बीच स्मोक सेल एयर ब्रस्ट है, मैं वो दिखाता हूं वो क्या होता है। ये रबड़ की गोली नहीं, हमारे लोग इसको रबड़ की गोली है, ये स्मोक सेल एयर ब्रस्ट है। ये लगने के बाद फटता है और जख्म करता है, ये अकेला मिलिट्री ही इस्तेमाल करती है, इसको पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती। और उसके साथ स्मोक सेल ग्राउंड ब्रस्ट है, दो 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 दो, ये मिलिट्री वाले सारे इस्तेमाल है। और इसके ये हम कुल मिला के कह लें हाई एक्सप्लोजिक जो अमनिशन वो उसका यूटिलाइज किया जा रहा। मैं और भी चीजें आपको देख, तो आप ये देख लीजिए। और इसके बाद ये इस पर लिखा है, ये पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती, ये स्पैरी डेटा है। स्पैरी इसलिए है फिर जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, फिर ये किसानों पर बल प्रयोग किया गया तो रिकॉर्ड में ये चीजें नहीं आएंगी। ये भी एक्सपायरी है, ये जबलपुर की है। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है, अभी जो बल प्रयोग हो रहा किसानों पे वो सामने ना आ सके। दूसरी बात, ये SLR है जो चलती है, ये उसका खोल है। अब इधर पकड़े गए तो क्या बोलेंगे, अभी किसानों ने गोली चलाई, हमारे आदमी जब उधर गए तो वहां से उठा के लाए, वहां ये खोल पड़े हुए हैं बैरिकेटों के पास, तो ये उधर से चल रही है। और ये भी प्राइवेट परचेज है, ठीक है, कि ये सरकार के रिकॉर्ड में से ना मिले। जब ये बात उठे, जब सरकार का रिकॉर्ड खोला जाएगा तो रिकॉर्ड में चीजें नहीं आएंगी। तो रिकॉर्ड वाली कौन सी चीजें हैं वो भी आपको बता देते हैं। रिकॉर्ड में वो ये तो एक और नमूना है, ठीक है जी। रिकॉर्ड में अकेले वो 100 छोटी सी प्लास्टिक बुलेट है जो हमने आपको दिखाई थी, उसको ही शो करेंगे। ये रिकॉर्ड में वो ये शो करेंगे सिर्फ, ये छोटी, तो ये छोटी सी लोगों को भगाने के लिए इस्तेमाल कर रही, ये रिकॉर्ड वाली है। तो पहले तो जो इससे निकल कर आ रहा कि किसानों के ऊपर अर्धसैनिक फोर्स अटैक कर रही है, ना कि पुलिस अटैक कर रही है, तो कितना ज्यादा बल प्रयोग किया जा रहा है ये, इसके बावजूद आप देख लीजिए। अगली बात, इसके बावजूद पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, इसके बावजूद हम वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों का मकसद क्या है कि हम बातचीत से मसलों का हल करें, जो हमारा मकसद है। तो हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें,
बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे हैं, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो सरकार जो है वो आगे आप जानते हैं नेट बंद है, सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे और आगे, क्योंकि आपको भी जाने नहीं दिया जाएगा, ये हमें मालूम लग रहा है। तो ये सब आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम देश के किसान और खेत मजदूर हैं, हमारे से ये देश चलता है, हम इस देश का हिस्सा हैं, 60% हमारी आबादी है, हमें आप दुश्मन ना समझ के अपने देश की नागरिक समझिए और हमसे वार्ता करके मसलों का हल कीजिए। आगे रडा जी और हमारे साथी, आज मैं और नाम बता दूं, एक तो आज बैठेंगे लौंगोवाल साहब, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, अपना मलकीत सिंह जी, ओंकार सिंह जी, परमजीत सिंह जी, ये हैं, तो ये हमारी तरफ से होंगे, और अमरजीत सिंह जी रड़ा अपने नाम बता देंगे। बचत्तर सिंह कोटला जी और गुरनाम सिंह जी, चोका साहब, ये सारे हो तो रहेंगे जी। बोलो जी ना। हाँ जी, सोनू औलक जी, ये एसकेएम गैर राजनीति की तरफ से बैठेंगे। आगे जैसे पंधेर साहब ने दसिया कि अपने ही लोगों के खिलाफ जिहड़ी सरकार ने अणऐलानी जिहड़ी जंग छेड़ी हुई है, ये सारी दुनिया देख रही है। सब तो वड्डी गल तां इह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए फौज का सामने ला देना, तो इस तरह के हथियारों की वरतों करनी जिहड़ी विरोधी देश के खिलाफ जंग लई वरते जांदे आ, ये मानसिकता दर्शाउंदा इस देश दे हाकम जिहड़े आ, इस देश दी राजकर्ता धिर दा। सो असीं जिस तरह पंधेर साहब ने कहा, इन्ना कुछ जरन दे बावजूद असीं फिर भी पीसफुल बैठे हुए हैं, साडे नौजवान जिहड़े आ बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतमई बैठे हुए हैं, ते उधरों ये गोले जिहड़े वर रहे आ। आस ये करदे सी असीं कि जिहड़ा साडा संविधानिक हक है, जिहड़ा मौलिक अधिकार है साडा, वह प्रोटेस्ट करन दा सानू दिता जावे, पर इस तरह की सरकार ने जो साडे सामने रख दिता। पर फिर भी असीं जिहड़ी गल्लबात दा राह जिहड़ा हमेशा ही खुला रखिया, ते अज भी असीं ये आस करदे हां कि जिस तरह मंधेर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मंत्रियों ने गल करके भेजन, जो हरियाणे की सरकार कर रही है, सैकड़े साडे जिहड़े किसान है वह जख्मी होकर हॉस्पिटलों बैठे, किसी की लत फ्रैक्चर है, किसी की बांह फ्रैक्चर है, किसी के नक् अखां। सो इस तरह का जिहड़ा क्रूरता भरिया रवैया वह साडे तो भी बर्दाश्त तो बाहर है, पर साडा सबर जिहड़ा कि सरकार ना परखे, हर जिन्ने भी लोग घरां च बैठे आ वो नोट कर रहे हैं, इस सरकार दियां नीतियां नूं देख रहे हैं, ते एक भुलेखा कढ़न कि इस तरह इस अंदोलन नूं
ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 60% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ।